आपके जीवन की एक ही चीज सबसे कीमती है, वो है आपका जीवन जो अभी भी आपके पास है, कि बिना ऑफिस जाए भी आप पैसे कमा सकते हैं। जब ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है तो खुद को सुपर चार्ज करना पड़ता है। हम यही करेंगे। इसीलिए कुदरत ने इंसान को एक खास स्तर की बुद्धि दी है। ये प्रश्न चेन्नई से दिव्या ने पूछा है। नमस्कारम सतगुरु, मैंने सप्ताह अपनी नौकरी खो दी है और मैं ये स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। मैं पूरी भागीदारी के साथ बहुत अच्छा काम कर रही थी। पिछले 12 वर्षों में मैंने जो कड़ी मेहनत की है उसे खोकर बहुत दुख हो रहा है। मैं स्थिति को समझती हूँ, पर मैं नुकसान को कैसे स्वीकार करूँ जिसकी वजह से मेरी मेहनत और मेरा और मेरे परिवार का भविष्य मुश्किल में आ गया है। नमस्कारम दिव्या, आपको मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि अभी आप थोड़ी परेशान हैं, इसलिए आप मेरी बात का आसानी से गलत मतलब निकाल लेंगी। जीवन में हमें कुछ चुनना होता है, पर कभी कभी विकल्प ऐसे होते हैं। शंकरन पिल्लई की पत्नी तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। उनकी दो बेटियां थीं। अब वो अड़े हुए थे कि तीसरा लड़का होना चाहिए। ये एक भारतीय समस्या है, ठीक है, पर डॉक्टर ने बाहर आकर कहा आपको लड़की हुई है। शंकरन पिल्लई दुखी हो गए। डॉक्टर ने सांत्वना देनी चाहिए, कोई बात नहीं, लड़की है पर वो लड़कों जैसे जी सकती है। तब शंकरन पिल्लई बोले, नहीं डॉक्टर, ठीक है, वैसे भी मेरी दूसरी पसंद लड़की ही थी। जीवन के चुनाव कभी कभी ऐसे होते हैं। तो 12 साल की कड़ी मेहनत, मैं नहीं कह रहा कि आपकी समस्या छोटी है, पर कड़ी मेहनत, आप 12 साल की कड़ी मेहनत से छूट गए। आपको कुछ पार्टी करनी चाहिए, पर मेरी तनख्वाह, मेरे पैसे, बिल, किराया, बच्चों की स्कूल फीस, हाँ ये तो हैं, पर क्योंकि हम इस हफ्ते प्रथम विश्व युद्ध को याद कर रहे हैं, युद्धों में, अकाल में, बड़े चक्रवातों में, अलग अलग जगहों में आए भूकंपों में, उन चीजों की तुलना में ये महामारी बहुत छोटी है, क्योंकि आपके जीवन पर इसका असर काफी हद तक आपकी प्रतिक्रिया से तय होगा। तब लोगों के पास कोई चारा नहीं था, वो चीजें बस हो गई। किसी ने फैसला किया कि युद्ध होना चाहिए, बाकी सभी बस उसके शिकार थे, उनके पास कोई चारा नहीं था, उन्हें बस मरना था। आपको, मुझे और दुनिया में सभी को अभी आर्थिक समस्याएं हैं, पर हमारी आर्थिक समस्याएं ऐसी हैं कि चाहे महामारी हो या शेयर बाजार का पतन या मंदी, ये होना ही है, क्योंकि हमने ऐसा रुख अपनाया है कि हम हमेशा ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। कहीं ना कहीं संतुलन आएगा। ये कड़वी बात लग सकती है क्योंकि आपने नौकरी खो दी है, पर मैं समझाना चाहता हूं। मेरे पिता ने यह कहा, वो एक योग्य चिकित्सक हैं, उन्होंने मैसूर में एक टीबी अस्पताल में अपना करियर शुरू किया। उनका पहला वेतन 50 रुपए था। 50 रुपए, मैं बता रहा हूं, 50 रुपए, यह आज की दुनिया में $1 से कम है। एक योग्य चिकित्सक, उन्होंने ऊंची पढ़ाई की थी, फिर जब तक वो भारतीय रेलवे के वरिष्ठ या मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में रिटायर हुए तब उन्हें 14,500 रुपए मिलने लगे थे। इस सप्ताह 8 नवंबर को उनके निधन को 1 साल हो गया। मैं एक बुरा बेटा हूं, मैं तब वहां नहीं था। मैंने उनसे कहा था कि मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी
कुछ प्रतिबद्धताएं थीं। तो जब मेरी बहन के बेटे ने कुछ साल पहले एक आईटी कंपनी में करीब 35,000 रुपए की वेतन से शुरुआत की, मेरे पिता ने उसे देखकर कहा, मूर्ख, तुम तो बहुत निकम्मे हो, वो तुम्हें 35,000 दे रहे हैं, मैं 14,500 पर रिटायर हुआ था। तो मेरा मतलब है, पिछली पीढ़ियों की तुलना में हमारे पास बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा। जीवन में 10-20% की कटौती हो तो हमें ज्यादा रोना नहीं चाहिए। आपके पिता, आपके दादाजी, शायद उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी, पर उन्होंने बुरा जीवन नहीं जिया, वो अपने तरीके से अच्छे से जिए। तो अगर हमें थोड़ी कटौती करनी पड़े तो कम से कम ये समझें कि ये पर्यावरण की महान सेवा है। अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, हाँ हमें जीवन में एडजस्ट करना पड़ रहा है, जिससे परेशानी हो रही है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है दिव्या, पूरी दुनिया के साथ हुआ है। कोई बख्शा नहीं गया है, सब कुछ पीछे चला गया है। शायद ये कहना गलत है कि कोई बख्शा नहीं गया है, क्योंकि कुछ बिजनेस फल फूल रहे हैं, शेयर बाजार उछाल मार रहा है, तो शायद कोई फायदा उठा रहा है। ये अच्छी बात है, हम उसे बुरा नहीं मानते, पर कई लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां आ गई हैं। अच्छा, मेरे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं चीज़ें मैनेज कैसे करूं, मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊं, समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि समस्या नहीं है, समस्याएं हैं, पर महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवित हैं, आपका परिवार और दूसरे महत्वपूर्ण लोग जीवित हैं। इसे समझें, क्योंकि यही सबसे कीमती है। और इस चक्कर को छोड़ें, मेरी नौकरी चली गई, सब खत्म हो गया, सब खत्म नहीं हुआ है। आपके जीवन की एक ही चीज सबसे कीमती है, वो है आपका जीवन, जो अभी भी आपके पास है। कुछ बाहरी चीजें खो जाएंगी, शायद आपको किसी टैलेंट का एहसास होगा कि बिना ऑफिस जाए भी आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए, इस वायरस ने मुझे पेंटर बना दिया। हेलो, मैं अपनी पेंटिंग्स के जरिए फाउंडेशन और कई प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जुटा रहा हूँ। किसने सोचा था कि मैं पेंटर बनूंगा? मैंने नहीं सोचा था, मैंने बस कोशिश की और पेंटिंग बन गई। तो ये नया करने का समय है, ये तलाशने का समय है, ये खुद को ऊंचा उठाने का समय है, ये समय अपने खर्चों में कटौती करने और अपने जीवन को और समझदारी से जीने का भी है। तो नौकरी चले जाने से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरा विकल्प भी है, बिजनेस करने के कई दूसरे तरीके हैं। किस तरह का बिजनेस हम नहीं जानते, शायद वो कारगर हो, शायद ना हो। बात यह है कि आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, आपके मन में नौकरी न मिल पाने के डर का संघर्ष है। कुछ उम्मीदें टूट जाती हैं, ये वाकई बुरा नहीं है। हाँ, कुछ उम्मीदें टूट जाती हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ओ सद्गुरु, आपके लिए कहना आसान है, आपके लिए तो सब कुछ बढ़िया है। नहीं, आपके ऊपर सिर्फ 3-4 लोगों की जिम्मेदारी है और आपको इतनी चिंता है, मुझ पर हजारों की जिम्मेदारी है, वाकई लाखों की। हमने किसानों से वादा किया है कि हम कुछ करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम उसे पूरा करेंगे। ये बहुत मुश्किल काम होगा, बहुत सारा काम, पर क्या हम कड़ी मेहनत करेंगे? नहीं, हम अपनी खुशी को बढ़ाएंगे, हम अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि जब ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है तो खुद को सुपर चार्ज करना पड़ता है। हम यही करेंगे, हम अपने वादों से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही आप हटें। परिवार, बच्चों और दूसरी चीजों से जुड़ी आपकी जो भी प्रतिबद्धताएं हैं, आपको उनसे पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको तरीका ढूंढना होगा। इसीलिए कुदरत ने
इंसान को एक खास तरकीब बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करें। उसे ऑटो मोड में मत डालिए। अब नौकरी मिल गई है, अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस वहां जाकर वापस आना है, मेरा जीवन बन गया। नहीं, ये जीने का तरीका नहीं है। जीवन चलाना मनुष्य का अंतिम लक्ष्य नहीं है। जीवन चलाना जरूरी है, पर यह आखिरी लक्ष्य नहीं है। यहां मेरे पास हजारों युवा स्वयं सेवक हैं जो जीवन में ऐसे काम कर रहे हैं जो उनके अपने बारे में नहीं है, ये उनका जीवन चलाने के बारे में नहीं है, क्योंकि मैंने उनमें आनंद भर दिया है। अब जीवन चलाने की चिंता करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप वाकई सभी की भलाई के बारे में चिंतित हैं तो जीवन चलाने की चिंता जरूरी नहीं है। दुनिया आपका हर तरह से ख्याल रखेगी। अगर जीने के तरीके से आपको फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादातर समस्या ये होती है कि आप अपने पड़ोसी से बेहतर जीना चाहते हैं, तभी ये एक अंतहीन समस्या है। दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश करते करते लोग कितनी मूर्खता भरी चीजें कर रहे हैं देखकर विश्वास ही नहीं होता। आपके काम बाहरी स्थिति से मेल खाने चाहिए। कभी भी ये उम्मीद न करें कि स्थिति एक सी बनी रहेगी, कि हमेशा नौकरी होगी या हमेशा सब एक सा बना रहेगा। नहीं, आपके काम आसपास की स्थितियों से मेल खाने चाहिए। तीन महिलाएं ये चर्चा कर रही थीं कि वो शाम की पार्टी में क्या कपड़े पहनकर जाएं। उनमें से एक बोली, नहीं, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकते। अपने पति के बालों के रंग के कपड़े पहनना जरूरी है। फिर एक बोली, ठीक है, मेरे पास काला सूट है, मैं वही पहनूंगी। दूसरी ने कहा, अरे मुझे कपड़े खरीदने पड़ेंगे, मेरे पास ग्रे ड्रेस नहीं है, मुझे खरीदनी पड़ेगी, मुझे सफेद और काली ड्रेस खरीदनी पड़ेगी। आखिरी औरत ने परेशान होकर कहा, हे भगवान, मैं नहीं आऊंगी।